अर्निंग फ्रॉम WL ATM, व्हाइट लेवल ATM से हम कैसा अर्न कर सकते हैं और इसका क्या गोल है। एक्चुअल मैं हम लोग कोई भी बिजनेस करने जाते हैं तो उसका एक गोल सेटअप होना जरूरी होता है। तो हम लोग का आज का टॉपिक है आप WLA बिजनेस से कैसा अर्न कर सकते हैं और साथ ही में आप क्या गोल अचीव कर सकते हैं WLA ATM बिजनेस को इस पैंडमिक सिचुएशन में, ये महामारी के टाइम पे, ये जो अभी चल रहा है कोरोना के वजह से सारे बिजनेस बंद हुआ पड़ा है, उसी टाइम में आप WLA ATM का बिजनेस हिताची के साथ जुड़ के करके आपका क्या फायदा है, वो आज हमारा टॉपिक। अच्छा, कोविड के सिचुएशन में हम लोग बहुत सारे बिजनेस को देख रहे हैं आपके सामने, जैसे होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गए, आपका ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस हो गया, ऐसे बहुत सारे बिजनेस है, जैसे होटल जो होटल रेस्टोरेंट रेस्तोरा का बिजनेस है वो पूरी तरीके से खराब हो चुका है आज के टाइम में। क्या खराब हो चुका है, अब वो ऑनलाइन के ऊपर ही डिपेंड हो गए हैं कि ऑनलाइन में बिजनेस कर पाएंगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं होगा। तो ऐसे हम लोग बहुत सारे बिजनेस देख रहे हैं जो बिजनेसमैन के पास बहुत सारे पैसे थे, आज के टाइम में वो क्या हो रहा है, पैसा खत्म होता हुआ जा रहा है, क्योंकि उनका जो बिजनेस पहले बहुत अच्छे से चलता था वो ड्यू टू पैंडेमिक, ड्यू टू लॉकडाउन, ये बिजनेस अब कंप्रेस्ड हो गया, मतलब छोटा हो गया है। और छोटा हो जाने के बाद जो उनका एक्सपेंसेस है, एम्प्लॉय को पैसा देना हो के कुछ भी देना हो, वो जो एक्सपेंस करने का पैसा, वो उसका जो पैसा जो उसने जमाया था वो पैसा वहाँ पे लग जा रहा है। तो क्या हो रहा है कि उनके बिजनेस धीरे धीरे खत्म हुआ पड़ रहा है और बहुत सारे बिजनेस बंद हो जा रहा है, उस बिजनेस में भी लॉक हो जा रहा है, मतलब लॉकडाउन की वजह से वो बंद पड़ रहा है। अच्छा, तो ये सारे बिजनेस जो है ये तो लगभग बंद होने को है, अब आया कि उससे हम लोगों का WLA ATM का बिजनेस क्यों बेटर है। WLA ATM का बिजनेस का आप जो भी कैपिटल यूज करते हैं वो कैपिटल यूज करते हैं वो कोई प्रोडक्ट में नहीं होता है, मतलब आपका बिजनेस मटेरियल जो है वो बिजनेस मटेरियल हम लोगों का कैश है, ना कि कोई प्रोडक्ट है। लाइक मैं छोटा किसी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहता हूँ तो मुझे वो कंपनी वो डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए समहाउ बहुत सारे रुपया का एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोलेगा, जिसके बदले में चाहे सिक्योरिटी डिपॉजिट हो, चाहे मुझे उसके रुपया से उतने रुपये का प्रोडक्ट दे दे, तो मुझे उससे प्रोडक्ट लेना होगा। अब सिचुएशन कैसा था, बहुत सारे बंदे जो किसी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया है वो बन गया उनका कैपिटल जो है वो प्रोडक्ट बन गया है। अब वो प्रोडक्ट जब तक सेल आउट नहीं करेगा तब तक उसका प्रॉफिट नहीं आएगा। लाइक एक बहुत बड़े किसी कंपनी का कोई एक आदमी है जो करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करके उसका डिस्ट्रीब्यूटर बना है, उसके पास करोड़ों रुपए का सामान है, वो करोड़पति है, बट इन द टाइम ऑफ पैंडेमिक वो उस प्रोडक्ट को सेल आउट नहीं कर पाएगा। जब तक सेल आउट नहीं कर पाएगा तब तक उसके घर पे वो जो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो पैसा वापस नहीं आएगा, मतलब वो पैसा 1 करोड़ रुपया 1 शेयर रुपया जो है वो प्रोडक्ट में बन के रह गया। तो क्या है, उसका भी कोई खराब सिचुएशन हुआ, घर पे किसी का तबीयत खराब हुआ, या बहुत कोई और बीमारी आ गया, या कोई ऐसा सिचुएशन आ गया कि वहां पे उनको बहुत सारे पैसे लगेंगे, उनके पास पैसा तो है, प्रोडक्ट हो जाने की वजह से वो उस चीज को पैसे में कन्वर्ट तुरंत नहीं कर पा रहा है, और वो क्या होगा उस टाइम में सफर कर जाएगा, वो कहीं मार्केट से लोगों से पैसा लेगा या बैंक से सूद में पैसा लेगा या कोई इंटरेस्ट में पैसा लेगा, तो क्या होगा वो रिसेशन में चला जा रहा है। हमारे WLA बिजनेस क्यों है, इसका जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट ही कैश है, मतलब आप जो कैश है वो कैश को रोल कर रहे हैं ATM बॉक्स में, आप ही का पैसा आप ही का ही है, ATM मशीन के साथ आप ही का करंट अकाउंट जुड़ा हुआ है, जिसका ओनर उस करंट अकाउंट का ओनर आप ही है, उस करंट अकाउंट से आपका जितना भी ट्रांजेक्शन हो रहा है वो पैसा आपके ATM से जितना भी ट्रांजेक्शन हो रहा है वो आपके करंट अकाउंट में जा रहा है, करंट अकाउंट में जाने की वजह से क्या हो रहा है वो पैसा रोल हो रहा है। लाइक मैं मिनिमम 4 लाख रुपए से ही ATM कर सकता हूँ, तो मेरे जो 4 लाख रुपए है वही मेरा प्रोडक्ट है, वो 4 लाख रुपए मैं ATM बॉक्स में रोल करवा रहा हूँ, डेली उसको रोल करवा रहा हूँ, तो मुझे कभी किसी चीज का चिंता नहीं है
कल को जाके लॉकडाउन हो जाए या कुछ भी हो जाए, मेरा जो प्रोडक्ट है वो मेरा पैसा ही है, मैं उस कैश को अपने प्रॉब्लम में यूज कर सकता हूं कभी भी। मुझे कहीं अदर बिजनेस की तरह मेरे प्रोडक्ट को लॉस में सेल करके या कहीं पे इंटरेस्ट पे पैसा लेके मुझे काम नहीं करना है। मैं एक रात रुक जाऊंगा, अगले दिन मेरे बैंक अकाउंट पे आ जाएगा, मैं उसे पैसे को यूज कर सकता हूँ। मेरा प्रॉब्लम सबसे पहले है, मैं कहीं बिजनेस करता हूँ, मैं अपने जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए बिजनेस करता हूँ। मेरे बेहतर टाइम में मेरे प्रोडक्ट मेरे काम नहीं आए तो उस बिजनेस का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट कैश होने की वजह से आप कहीं पे भी खराब सिचुएशन में भी होते हैं तो आप उस कैश को यहाँ यूज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, ये जो बिजनेस है, बाकी जितने भी बिजनेस है, जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक होटल का बिजनेस है, किसी के बिजनेस ले लेता हूँ, जो हम लोग के पास कस्टमर्स आते हैं लेने के लिए, वो कस्टमर्स उनके दुकान के सामने अवेलेबल नहीं है, ठीक है। आपका समझ लीजिए कि ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है, हम लोग यहीं से दूसरे जगह नहीं थे, तो जहाँ पे स्टे करने वाला जो होटल्स होते हैं उसका बिजनेस खराब पड़ रहा है, तो मतलब क्या वो सफर कर रहे हैं। ये कैश लेके बिजनेस जो है, हम लोगों को रोजाना कैश का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। हम लोग एटीएम कार्ड लेके जाएंगे, चाहे लॉकडाउन हो चाहे कुछ भी हो, हम एटीएम में पैसा उठाने के लिए जाएंगे, क्योंकि मुझे पैसे का जरूरत है, मुझे डेली नीड फुलफिलमेंट करना है, तो मैं पैसा उठाने के लिए जाऊंगा। और मेरे जो कैश का कैश से कोई बिजनेस करता है तो मतलब उसका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। मतलब क्या है, मेरे आज बिजनेस अच्छा था, मैं उस टाइम में 10,000 रुपए कमाता था, एग्जाम्पल के तौर पे, यही कोई होटल वाला जिसका 10,000 रुपए महीने अर्निंग था, वो रोजाना बैंक में 10,000 रुपए विड्रॉल करता था। अब क्या हुआ, उसका बिजनेस खराब हुआ है, अब वो डेली का 1,000 रुपए उठा सकता है या 500 रुपए उठा सकता है। वो 500 रुपए विड्रॉल करेगा, तो उस 500 रुपए विड्रॉल करने के लिए वो जाएगा तो एटीएम में, तो एटीएम का बिजनेस कहीं खराब नहीं होता है। दूसरा बात है कि चाहे हमारे एटीएम में 10,000 रुपए विड्रॉल करे, चाहे 1,000 रुपए विड्रॉल करे, चाहे 100 रुपए विड्रॉल करे, कमीशन हम लोगों का सेम है, पर विड्रॉल कमीशन सेम है। मतलब मेरा बिजनेस वो 10,000 रुपए में भी जितना मुझे कमीशन मिलता है, 500 रुपए में उतना ही मिल रहा है, तो मेरा बिजनेस कहीं पे भी खराब नहीं हुआ है। तो एटीएम बिजनेस जो है, अदर्स बिजनेस से ही एटीएम का बिजनेस फार बेटर है। आप इसमें सेफेस्ट तौर पे आपके प्रोडक्ट कैश को लेके आराम से बिजनेस कर सकते हैं। अब बात यहाँ पे आता है, इस पैंडेमिक सिचुएशन पे मैं ऐसे ऐसे भी तो कर सकता हूँ, मैं फिक्स डिपॉजिट करके अपने पैसे को बैंक पे रख दूँ। बहुत सारे बोलते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, पैसे को फिक्स डिपॉजिट करेंगे आपके एटीएम में इन्वेस्टमेंट के लिए, एसडी प्लस इनमें सब लगभग 6 लाख 7 लाख रुपए लगता है, उससे अच्छा मैं उसको बैंक पे एफडी कर देता हूँ। तो मैं छोटा सा फिगर उन लोगों के लिए समझाना चाहूंगा, जो आप फिक्स डिपॉजिट बैंक पे किसी भी बैंक पे करते हैं, फिक्स डिपॉजिट में आपको, मैं एग्जाम्पल के तौर पे या जो भी है, मैं आपको उसके लिए बताना चाहता हूँ, आपको 6% से ज्यादा नहीं देता है। मैं समझ लेता हूँ, एग्जाम्पल 6% आपको ईयरली इंटरेस्ट रेट देगा फिक्स डिपोजिट के। तो मैं समझ लीजिए, मैं 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, उसमें मुझे 6% के इंटरेस्ट रेट में बैंक कितना रुपए देगा है? सालाना 36,000 रुपए। एक ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में मुझे 6% में, तो मैं एक साल पैसा बैंक पे रख के मुझे 36,000 रुपए वापस मिलना है। अब मैं एटीएम में से 6 लाख रुपए डाला, अब मुझे डेली का 100 ट्रांजेक्शन है जो मिनिमम है, और महीने का ये बनता है 3,000 ट्रांजेक्शन। इसको मैं 8 रुपए 50 पैसे पर कैश ट्रांजेक्शन के हिसाब से मैं काउंट करूं तो 25,500 समथिंग आता है। तो मुझे महीने का मिनिमम इनकम 25,500 रुपीज आता है। तो ये ईयरली बनता है कितना, 3,60,000। यहां कितना आता, 36,000, यहां 3,60,000। मतलब मैं जो इन्वेस्टमेंट किया हूं उसका 51% मुझे रिटर्न मिल रहा है ईयरली, और मैं मंथली, मतलब ईयरली रिटर्न का मतलब डिफरेंस सोचूं तो एक
बैंक में इन्वेस्ट करने का पैसा और एक एटीएम में आप कैश रोलिंग, मतलब आप समझ लीजिए अब मैं फिक्स डिपॉजिट ही किया हूँ, उसमें आपको 10 times ज्यादा पैसा मिलता है। छोटा इंसान के पास वक्त बहुत कम है। आज हम लोग यहाँ पे हैं, भगवान ना करे कभी किसी का कुछ भी हो, कल क्या होगा हम लोगों को नहीं पता, बट हम लोग ऐसा कोई काम करना चाहते हैं जहां पे मेरे पैसे भी सिक्योर रहे, मैं भी सिक्योर रहूं और मैं अपने पूरे टाइम का पूरा इस्तेमाल करूं और उससे अच्छा खासा बेनिफिट निकालूं। कैसे? अब मेरे मेरे एक बैंक में ईयर का कैलकुलेशन में आता है, एक बैंक में अप्रोक्स 10 साल पैसा रखने के बाद मेरा जो निकल के आएगा वो मुझे 1 ईयर WLA ATM देता है। कितना? 10 ईयर इक्वल टू WLA ATM का 1 साल, व्हाइट ट्रेवल एटीएम का 1 साल, तो 9 साल का देता है, तो 90 ईयर के लिए, मतलब 90 ईयर्स के लिए मुझे फिक्स डिपॉजिट करना है। बहुत लॉन्ग टाइम टर्म है, इतना तो शायद किसी का जिंदगी भी नहीं होता है, इतना तुमको इन्वेस्टमेंट करके बैंक में रखना होगा। ये आपको 9 साल में WLA ATM देके जाएगा। तो हम लोग अपने लाइफ को सिक्योर करने के लिए हमारा पैसा बैंक में तो रखते ही हैं, हर कोई फिक्स डिपॉजिट करता है, जिसके पास सामर्थ्य होते हैं, जो अच्छे बिजनेस करते हैं। बिजनेस क्यों करते हैं? अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। अब मैं पैसा अर्न किया हूं तो अर्न किया हुआ पैसा मैं कहीं तो रखूंगा, तो हम लोग यही सोचते हैं सब इन्वेस्टमेंट करते हैं या उसको फिक्स डिपॉजिट करते हैं। फिक्स डिपॉजिट से ये WLA ATM उससे 10% ज्यादा फायदेमंद है देन फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में प्रॉब्लम क्या है? आप कभी भी पैसा विड्रॉ करने से आपको इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा, 1 साल का है, बीच में से विड्रॉ कर लेंगे, कभी कभार मिलता है, 90% केसेस में नहीं मिलता है। इसमें आप जितना भी रोल कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको पैसा मिल रहा है। मैं 6 लाख के एग्जाम्पल दे के बताया हुआ, 6 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट। और क्या है, यहाँ का रिटर्न पॉलिसी, इसका रिटर्न पॉलिसी बहुत ज्यादा है। तो मतलब ये हुआ, आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं, उससे बेटर है अपने पैसे को कहीं पे रोल करवाने का, जहां से उनसे बेनिफिट ज्यादा मिले। सेकेंड पॉइंट, अब यहाँ पे बहुत दूसरा क्वेश्चन ये आता है, मैं क्यों, मुझे बैंक से पैसा उठा के WLA ATM उसमें रखना है, ये है वो है, मैं ये झंझट नहीं लेना चाहता हूँ, लेना नहीं चाहता हूँ। इन सब के लिए एक क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का एक सिंपल आंसर है। हम लोग कहीं पे भी जॉब करते हैं या कहीं पे भी काम करते हैं तो मिनिमम हम लोगों को 8 आवर्स का टाइम देना ही है, या बिजनेस कर रहे हैं तो 10-10, 12-12 घंटे हमें वहां पे देना पड़ता है, पूरे दिन घिसाना पड़ता है उसके पीछे। बट ये जो बिजनेस है, आप ध्यान से सोचिए, आप एक बैंक पे जाएंगे पैसा उठा के लेके आके आपको एटीएम बॉक्स में डालना है, इसमें आपको कितने वक्त लगेगा? मैक्स से मैक्स 1 घंटा, 1.5 घंटा। आप हम लोगों के पास बात करने के लिए, घूमने के लिए, फेसबुक चलाने के लिए, मोबाइल चलाने के पीछे हम लोग अपनी जिंदगी में कितना टाइम बर्बाद करते हैं? थोड़ा सा वक्त निकाल के सिर्फ 1.5 घंटा मैक्सिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम 1.5 घंटे, मतलब 30 मिनट से भी, 30 मिनट में भी हो सकता है, 15 मिनट में भी हो सकता है, नजदीक बैंक है तो नजदीक से ही नजदीक हो जाएगा। इतना सा एक छोटा सा काम है, उसके लिए ना ही आपको एम्प्लॉय रखने का जरूरत है, दूसरे बिजनेस में आपको 5 एम्प्लॉय रखना पड़ेगा। अर्निंग उस पर दिखा रहे हैं आपको, अर्निंग वहां पे शो कर रहा है उसका 6 लाख रुपए है महीने का, बट 6 लाख रुपए में क्या दिखाई दे रहा है, उसका 5.5 लाख रुपए ही चला गया इलेक्ट्रिसिटी, तो उसका इतने बड़े होटल है तो होटल में इतने सारे स्टाफ हैं, उसका सैलरी, तो मैनेजर का सैलरी, तो इसका मेंटेनेंस, तो उसका मेंटेनेंस, पर एटीएम में तो मेंटेनेंस है ही नहीं, मेंटेनेंस सर्विस चार्ज सब कुछ फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री है, 9 साल के लिए पूरा फ्री है, उसको कोई भी पर्स खराब हो, पैसा चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, सब कुछ हिताची देखेगा। जब तब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, बंदे रखने का भी जरूरत नहीं है, ना इसमें सिक्योरिटी गार्ड रखने की जरूरत है, ना कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट है, कुछ भी नहीं। आप अपना रूम देंगे और इलेक्ट्रिसिटी देंगे और गैस देंगे, बस इतना सा काम के लिए ही आपको इतना रिटर्न मिलता है।
दूसरे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसमें रोल है। दूसरे बिजनेस में आपको प्रोडक्ट जो है खरीदना होगा, यहाँ प्रोडक्ट ही कैसे है, अपने जरूरत पड़ने में खराब टाइम में मैं उसका यूज कर सकता हूँ, ये एडवांटेजेस है। दूसरा बात है, मैं बैंक में फिक्स डिपोजिट करने से अच्छा है मैं वो एटीएम बॉक्स में वो पैसा वहां पे रोल कराऊं, ये मेरे एक हर महीने का ऐसे फिनेंशियल कुशन है जो मुझे हेल्प करेगा। जैसे इस महीने मेरे पास पैसा खत्म हो गया, तो ये जो जॉब करते हैं वो सोचते हैं चलो इस महीने खत्म हो गया, नेक्स्ट महीने तो मेरे पास फिर से आएगा ना, क्या टेंशन है। सेम आप यहाँ पे भी पैसा रोल करके आपके दिमाग ये रह सकते हैं, मुझे हर महीने को ही एक लमसम अमाउंट या फिक्स्ड अमाउंट मेरे पास मंथली मंथली आता जाएगा, जहाँ मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ बिजनेस से भी मुझे फिक्स्ड इनकम मिल रहा है। तो इसी वजह से हम लोगों का जो WL ATM का बिजनेस है या वाइट ट्रेवल ATM है, ये फार बेटर देन अदर बिजनेस एंड दिस इज बेटर फॉर फ्यूचर। आप अपने जिंदगी को अपने मुताबिक चला सकते हैं। इस पेंडेमिक सिचुएशन में हम लोगों के पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हम लोग इन्फेक्टेड ना हो। ATM का काम करने में आप कस्टमर के साथ डायरेक्ट लिंक नहीं होते हैं, इसमें आपका सबसे पहला फायदा यही होता है, आप जब किसी के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं होंगे, आप किसी से डायरेक्ट कस्टमर के पास जाएंगे नहीं, जब ऑटोमेटिक टेलर मशीन जिसको हम ATM बोलते हैं वही आपके लिए काम करके देगा, वही आपका क्या है, आपका स्टाफ है, वो स्टाफ होकर आपके लिए काम करके दे रहा है, वो एक मशीनरी सिस्टम करके दे रहा है, तो आपको कोविड होने का चांसेस 0% है। अब मैं इसको एक छोटे से आंकड़े से समझता हूँ। एक CSP चलाने वाला पूरे दिन में बहुत सारे बंदे से पैसा लेता है और बैठ के काम चलाता है, उसके लिए उसका 3 स्टाफ 4 स्टाफ रखता है, उसको भी रखना जरूरी होता है, बट ये जो काम है इसके लिए आपको एक भी स्टाफ रखने की जरूरत नहीं है। आप वन टाइम बैंक में जाएंगे, पैसा उठाएंगे, शटर डाउन करेंगे, पैसा डालेंगे, शटर खोलेंगे, निकल जाएंगे, इसमें आपको डायरेक्टली कोई कस्टमर के साथ इंटरेक्ट नहीं होना है, तो आपको कोविड होने के चांसेस भी इस बिजनेस में कम है। तो मतलब आपका जो हेल्थ वाला प्रॉब्लम है वो भी आपका इस बिजनेस में इसका भी चांसेस ना के बराबर है। तो इसी कारण से हम लोगों ने जो वाइट लेवल का बिजनेस स्टार्ट किया है, इसीलिए स्टार्ट किया है पैंडेमिक सिचुएशन में, मेरे वो सारे दोस्त भाई या जो भी मेरे सीनियर्स हैं जो बहुत सारे बिजनेस कर रहे हैं, जिसका बिजनेस अभी पैंडेमिक में चला गया है, जिसका पैंडेमिक की वजह से उनके बिजनेस ध्वस्त हो गया है, खत्म होने को है, वो काइंडली इस बिजनेस के तरफ रुख करें। क्या इससे मिलेगा उनसे, उनसे एक फिक्स्ड इनकम मिलेगा, सिक्योर उनका बिजनेस चलेगा, जो अब लेवल है वो लोग लेवल पर खड़े हैं, ना ही इधर का कर पा रहे हैं ना उधर का कर पा रहे हैं, यहाँ से वो एक नया बिजनेस स्टार्ट करके कुछ अर्न कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस स्टडी में देखा गया है, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जिनके पास बहुत सारे स्टाफ्स थे, उन्होंने बहुत रुपया कमाया, मेरे जानने वाले कोई है बहुत रुपया कमाया था, पेंडेमिक के सिचुएशन में वो सारे सैलरी में चला गया, अब ऐसे सिचुएशन में बैठे हुए हैं वो, जो उसके बिजनेस को बंद करना होगा, बंद करेगा तो फिर से कैसे चलेगा उनका टेंशन है, या बंद नहीं करेगा तो ये जो लेवल है वो यहाँ से लॉस शुरू करेगा, बस इसी जगह हम लोग उसको रोक लेते हैं कि आप सर ATM का बिजनेस कीजिए, तो इनके पास इस सिचुएशन में कैश है, इस कैश से ये जो फिनेंशियल लॉस है उससे बच सकते हैं। लाइक मेरे 10 एम्प्लॉई है, मुझे हर महीने 2 लाख रुपए देना पड़ता है, महीने का अर्निंग होता था मेरे 3 लाख रुपए, 1 लाख रुपए में बचा लेता था, अभी मुझे लगभग मेरे बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा है, ठीक है, अब मुझे 2 लाख रुपए देना पड़ता है, मुझे कितना 2 लाख रुपए देना पड़ता है, 10 लाख रुपए था 2 लाख, 5 महीने मेरा बीत गया, मतलब 3 महीना बीत गया, मेरा लगभग 6 लाख रुपए निकला, मेरे पास अभी 4 लाख रुपए बचा हुआ है, तो मैं उस 4 लाख का भी लास्ट टाइम में यूटिलाइज करके मैं कैसे मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं कि मैं अपने ऐसा कोई सिचुएशन ना आए मैं दूसरे से लोन लेना पड़े। तो बार बार एक ही चीज,
आप कैसे अर्न करेंगे, आप कैसा गोल करेंगे। WLA का गोल बहुत क्लियर है, बहुत जेन्युइन है। जहां पे आपका पैसा सिक्योर भी है, आप उससे अर्न भी कर सकते हैं, अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। तो ये जो पेंडेमिक सिचुएशन है, जो बिजनेस करना चाहते हैं वो हम लोगों के साथ आके जुड़े, उनका अच्छे खासे अर्निंग, मिनिमम अर्निंग उनका 25,500 के महीने का आएगा, वो हमारे साथ आके जुड़े, अच्छा बिजनेस मिलेगा और अपना एक अच्छा गोल, लाइफ का जो गोल है, हर किसी का एक गोल होता है, वो गोल अच्छे से सेटअप कर पाएगा। थैंक्स।